नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। अपने पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म और आज बौद्ध धर्म के पार्ट नंबर 3 की बात करूंगा मैं। आज अपने बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर देंगे। देखो, मैंने आपको बताया था जब बौद्ध धर्म में जो चौथी महासभा का आयोजन होता है प्रथम शताब्दी के अंदर, वहां पर बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, यानी कितने भागों में बट गया था, दो, जिसमें से एक का नाम क्या हो गया महायान और दूसरे का नाम क्या हो गया हीनयान। और थोड़ा सा ये देख लो कि महायान का विस्तार कहां था, हीनयान का विस्तार कहां था। ये अपना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत, भारत में जो उत्तरी भारत था, इस उत्तरी भारत के अंदर जो राज करता था वो वंश कौन सा था, वो संप्रदाय कौन सा था, महायान। जबकि जो दक्षिण भारत के अंदर राज कर रहा था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो वो संप्रदाय कौन सा था, तो वो संप्रदाय था दोस्तों हीनयान। महायान संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी नागार्जुन ने। और आपको पता हो तो इस नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। इस नागार्जुन ने ग्रंथ लिखा था जो महायान धर्म या महायान संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है, जिसका नाम क्या था, प्रज्ञापारमिता सूत्र। प्रज्ञापारमिता सूत्र, इस ग्रंथ की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। और ये जो महायान संप्रदाय के लोग हैं, ये किस देवता को मानते थे, ये भगवान बुद्ध को मानते थे। और ये जो धर्म के लोग हैं ये पूर्ण जन्म में भी विश्वास रखते थे, यानी महायान संप्रदाय के लोग पूर्ण जन्म में भी विश्वास रखते थे। जबकि हीनयान में क्या था, इस हीनयान वंश का उपनाम है श्रावकयान। यहाँ मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं था और यहाँ ना ही किसी भगवान को माना करते थे। ग्रंथों की जो भाषा है वो कौन सी थी, पाली। अब आपके दिमाग में जाएगा गुरु जी एक दो अक्षर तो लिख दो, मैं समझ गया पाली भाषा किसी हो, संस्कृत कौन सी होती है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, देखा था हिंदी कितनी दासु है, कितनी तकड़ी है, आप ये बताओ। एक तो मैंने नाम लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ ना, एक तो मैंने नाम लिखा है दूध, ठीक है, एक नाम लिखा है मैंने दूध, दोनों है एक ही चीज। अब मेरे को ये तो पाली भाषा का इन दोनों में से कौन सा है, कौन सा है। अब आप देखो झूठ मत बोलना, जिसको अगर ये आए ना वही कमेंट उठाना कि सर हाँ मेरे को आता था। दूध जो है ना, दूध ये किस भाषा का है, ये पाली भाषा का है। जबकि जो है दुग्ध, दुग्ध ये जो ये किस भाषा का है, ये संस्कृत भाषा का है। अब मेरी बात को समझ लेगा, ये था बौद्ध धर्म। थोड़ी सी बात और देखो, थोड़ा सा अगर किए थे हाई लेवल को एग्जाम दो तो वहां क्या आ सकता है। बौद्ध धर्म में सर्वाधिक जो चित्र मिले ये किस शैली के मिले थे, याद रखना बोल के बता रहा हूं, तो ये गंधार शैली के मिले थे। भारत में सर्वाधिक जो प्रचार किया था बौद्ध धर्म का ये किसने किया था, तो मगध का तीसरा महान राजा था जिसका नाम की तीसरा सॉरी क्या महान ही राजा था, ये कलिंग वगैरह का युद्ध किया था, जिसका नाम क्या था अशोक। यानी अशोक ने भारत में बौद्ध धर्म का क्या किया था, प्रचार। अब कुछ आपके सामने नाम लिखता हूं, इनको याद कर लेना, जैसे आपके सामने नाम आएगा उपोषत, बताता हूं क्या है, जैसे आपके सामने नाम आएगा परवारना, जैसे आपके सामने नाम आएगा कनियन, और आपके सामने नाम आएगा कि बौद्ध धर्म की जो पवित्रम दिशा थी वो कौन सी थी, पवित्रम दिशा। पहला उपोषत, ये नाम याद रखना, पूछ सकता है कि उपोषत क्या है बौद्ध धर्म में, परवारना क्या है, तो उपोषत ये क्या है, ये था सभी बौद्ध भिक्षु जहां इकट्ठे हुआ करते थे उस स्थान को क्या कहते थे, उपोषत। सभी बौद्ध भिक्षु जहां इकट्ठे हुआ करते थे उस स्थान को क्या कहते थे दोस्तों, उपोषत। परवारना क्या है, जहां पर अपराध स्वीकार किया जाता था, अपराध स्वीकार, यानी आप ऐसे करना अभी अपराध स्वीकार करना ही क्या था, यानी जो व्यक्ति अपराध स्वीकार कर लेता था उसे क्या कहते थे, परवारना। कनियन क्या था, ये था इस बौद्ध धर्म में वस्त्र निर्धारण थे,
यानी इस बौद्ध धर्म में वस्त्र निर्धारण किए जाते थे, और ये वस्त्र जो निर्धारण किए जाते थे, अगर आपसे पूछ ले किस रंग के किए जाते थे, तो ये रंग याद करना गेरुआ रंग। कौन सा गेरुआ? कनियर क्या है? बौद्ध धर्म में वस्त्र निर्धारण करना किस रंग के? गेरुआ रंग के। पवित्रम जो दिशा थी, दैसे दिशा, दैसे क्या भाई? दक्षिण। समझ में आई? अब था ना इसी ये चीज जानी। देखो आप है ना, पढ़ने से मतलब नहीं होता, हर चीज को कंठस्थ किया करो। कंठस्थ मतलब कंठस्थ है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब आपा को तो क्या करो, सारा मान लो अगर आपके मन में आता कि मैं आज छठी क्लास की मान लो, चलो इसको छोड़ो, आपके मन में आया कि आज मैं ऊर्जा टॉपिक पढ़ूंगा, सोच लेते हैं ठेठा क्या करो, आप ऐसे करते हो कि पूरे राजस्थान के घोल के पढ़ के फेंक देते हो, ऐसे मुन्ना पढ़ाई नहीं होती। सबसे पहले आप क्या है, टाइम बनाओ। टाइम बनाकर कि इतने समय में भूगोल को देना है, उस समय में आप क्या करो, जैसे भूगोल है, अब मेरे को भूगोल 2 घंटा पढ़नी है, तो 2 घंटे के अंदर ऊर्जा ही करो, कंठस्थ करो। कंठस्थ करोगे तभी एग्जाम क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। कितना मर्जी पढ़ लेना, कितने मर्जी घंटे पढ़ लेना। जो व्यक्ति RS IAS लगते हैं वो जनरल कैटेगरी के लगते हैं। अब क्या है गुरुजी, मैं तो जनरल मावा तैयारी बन गया, RS IAS जनरल कैटेगरी के लगते हैं। खोपड़ो आ जाए तो दिखा दूंगी था किसक होगा आई, वो जो लगते हैं उनकी शक्ल देख लो ना आप, थे भाग जो भूत आगे मरा के ऐसे पढ़ते हैं वो। जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी ना इससे, उस दिन देखना। ठीक है, जय हिंद। सब्सक्राइब कर देना चैनल को नया हो तो, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, GK भाई अजय सर नाम से। ओके बाय।